नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज और नटवार रोड के बीच में। ये मैधरा करमैनी का रास्ता है, यहाँ से एक तरफ मैधरा और एक तरफ करमैनी जाने का दोनों तरफ रास्ता। और यहाँ पर अभी मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा दिखाए, यहाँ पर एक पुल था जो पुल को अनियंत्रित एक ट्रक आते हुए और पुल को क्रॉस करके इस खाई में जा करके गिर गई है। गाड़ी का नंबर है BR24P0786, ये गाड़ी नंबर है। और आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी किस तरह से यहाँ से अनियंत्रित आई है और यहाँ आकर के पलट गई है। और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ उठते बैठते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर हो सकते थे। हालांकि अभी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग उठते बैठते थे और जान माल का नुकसान हो सकता था। हमारे बीच यहाँ के कुछ गाँव वाले लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका, नाम बता दीजिए। यहीं के रहने वाले हैं? मैधरा के। ये जब घटना हुआ आपको पता है क्यों हुआ? नहीं नहीं, अभी आ रहे हैं। अभी घटना का जानकारी किसी को पता है? हाँ, पता नहीं है। अच्छा, यहाँ के नहीं, ये सभी लोग देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुल हुआ करता था और उस पुल को टक्कर मार के ये देख सकते हैं कि गिरा दिया गया है। और यहाँ पर छोटे बड़े कोई बुजुर्ग हो सकता था, कोई व्यक्ति हो सकता था, कोई छोटा बच्चा हो सकता था। और यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा घर है ना। अच्छा, नटवार के हैं, ये देखने के लिए यहाँ पर आ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो भरत है। यहीं पर थे जब घटना हुआ? तो हम लोग यहाँ पर अभी तो आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये लोग घटना को देख करके काफ़ी लोग एकत्रित हो रहे हैं। और हालांकि जानकारी ज़्यादा सटीकता से मुझे नहीं मिल पा रही है, मैं चलूँगा और यहाँ के इनके ड्राइवर से और इनके जो ट्रक के मालिक हैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अरे बात मालिक बते वाला ड्राइवर का बती है ना, तो घरी हम का कहां मालिक ना गाड़ी चलावत रहा तो तू अपन एथी बताई। अरे चलावत है तो अभी काहे खातिर हमरा से पूछ, हमर दिमाग ठीक नहीं है। हमरा दिमाग और ठीक नहीं है तो मैंने गाड़ी कहीं हिला दे। हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं और ये ड्राइवर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जैसा कि इस घटना स्थल के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये ड्राइवर साहब यहाँ से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना स्थल को छुपाने का प्रयास यहाँ के ड्राइवर द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर इस मौके पर ना ही ड्राइवर और ना ही बस के मालिक मौजूद हैं और कुछ गाँव वाले लोग हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका, अपना नाम? गाँव वाले नहीं है, कहाँ रास्ता के हैं। अच्छा, ये देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित रुके हुए हैं। चलिए, यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हो गए हैं कहीं ना कहीं घटना स्थल के बारे में जानने के। तो बैठे हैं, वहाँ भी एक पुल था। हाँ, आप जैसे अभी इस पुल पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी एक पुल था, वहाँ भी कोई बैठा हो सकता था। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वहाँ पर कोई बैठा होता ना? तो उस समय हम लोग नहीं थे, हम लोग तो अभी आए हैं। बैठे हैं आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, और अगर उधर से अनियंत्रित गाड़ी आ करके आपको यहाँ टक्कर मार दे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होगा। उसी तरह से वहाँ भी एक पुल था, अभी वो पुल को तोड़ करके जिस तरह से गाड़ी वहाँ पर गिरी है उस हिसाब से अगर वहाँ पर कोई होता तो जाहिर सी बात है कि जान माल का नुकसान हो जाता। ये लापरवाही किसकी है, अब हम क्या बता सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की, यहाँ के ड्राइवरों की ये कमियाँ हमें देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं ड्राइवर से साहब से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं घटनास्थल के बारे में इस चीज़ को छुपाने का भी प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये नटवार रोड का, ये मैधरा करमैनी का बीच बॉर्डर है। और यहाँ पर जिस तरह से पुल है उस पुल पर काफ़ी दो चार लोग बैठ करके और इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हो सकता था कि उस पुल पर भी कुछ लोग बैठे हो सकते थे और वहाँ पर अनियंत्रित गाड़ी आने से उनकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि अभी जान माल का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित निकल गए हैं, लेकिन गाड़ी अभी जिस स्थिति में है, जिस जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं, वहाँ का पुल जो था वो इसी तरह का पुल था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब साफ हो गया है। इस पुल पर काफ़ी लोग उठते बैठते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इंतजार भी करते हैं कहीं छाया में या किसी भी चीज़ से। उस तरफ भी अगर लोग बैठे होते तो कहीं ना कहीं उनकी जान माल के नुकसान हो सकती थी। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी गाड़ी चालकों से, वाहन चालकों से, कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करने से पहले आप लोग एक बार अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखा करिए। ये देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जो इस पुल को क्रॉस करके ये तोड़ते हुए इस गड्ढे में जाकर गिर चुकी है। इस गाड़ी का नंबर है BR24PA0786।
0786 इस गाड़ी का नंबर है। और अभी ये गाड़ी खड्डे में गिर चुकी है, ये नहर का पुल है और इस पुल में गिर चुकी है, और जिससे कि ये अब लगता तो नहीं है कि गाड़ी दोबारा से रोड पर चलने लायक हो पाएगी, लेकिन मैं शासन प्रशासन से और उच्चतर स्तर के पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा कि इस गाड़ी पर या ऐसे वाहन चालकों पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए। आप देख रहे थे ये रोहतास जिला के मैधरा करमैनी रोड से, ये नटवार रोड से। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।